आप सभी को नमस्कार। तो साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 दिनों की यात्रा के बाद आज हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं और ये है होटल एसआर कैस्टल पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। ये गाड़ी आ चुकी है, हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। तो 2 रात पोर्ट ब्लेयर में और 2 रात जो है हम लोग हेवलॉक द्वीप में और 1 नील आइसलैंड में रुके थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जो है वापसी हम लोग भोपाल पहुंचेंगे। तो ये देखिए, वाह वाह, ये हुई ना बात। कभी कभी मोबाइल जो है खुद को निहारने का भी जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हुई ना बात, शानदार। तो साथियों, अंडमान का ये पूरा सफ़र जो है 5 दिनों का बहुत ही रोमांचित करने वाला था और बहुत ही यादगार रहेगा। ये जो सारी चीज़ें हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो भी बहुत बाद में देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, जो अभी पुराना है, नया अभी बन रहा है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप बढ़िया, आप हमको अच्छी सी गाड़ी में घुमाए, पूरा अंडमान घुमाए सब जगह, बड़ा अच्छा लगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोग आना, आप लोग आने से हम लोग का टूरिज़्म अच्छा चलेगा। अच्छा लगा आपको घुमा के। ओके, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तो साथियों, एयरपोर्ट आने में प्राय हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बेचैनी रहती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को बोर्डिंग पास वगैरह सब मिल जाता है। और इस ट्रिप की ख़ास बात मुझे जो अच्छी लगी वो लगी इन ट्रेवल की व्यवस्था। जहाँ भी हम लोग उतरते थे गाड़ी एकदम तैयार रहती थी, हर ट्रिप में जो है एक अच्छी गाड़ी हमको मिलती थी और एक ड्राइवर जो है टूर की भांति हमें ले जाता था। तो ये हम लोग का बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग अंदर जहाज़ में प्रवेश कर गए और ये है एयर इंडिया का प्लेन। और ये देखिए, ये हुई ना बात, अब शानदार तरीके से, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया ना ट्रिप, क्या बात है, ये हुई ना बात। अभी हम लोग एकदम बेहतरीन सफ़र की स्मृतियां याद आ रही हैं और अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में और यहाँ से ये हवाई यात्रा शुरू दिल्ली के लिए। और ये देखिए, जहाज जो है एकदम बेहतरीन तरीके से रनवे में दौड़ लगाते हुए ये हवा में ऊपर, और एकदम सफ़र की शुरुआत हो गई, शानदार बेहतरीन। तो जब हवाई यात्रा करते हैं तो आनंददायक तो यहीं से ही शुरुआत हो जाता है आपके अंदर जो है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी को आप बहुत ही कम समय में कर लेते हैं और सफ़र बहुत ही शानदार रहता है। और ये ऊपर से देखिए जो पोर्ट ब्लेयर के आसपास का नज़ारा कैसे नज़र आता है, ये एयरपोर्ट के ऊपर से हम लोग जो है देखेंगे। तो ये देखिए पानी और जो है द्वीप समूह वगैरह आपको दिखेंगे। और अभी जो है बादल हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ठीक तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन बादलों के पास से भी ये देखिए जहाज गुज़रता हुआ और आप नज़र कर सकते हैं। वाह, यकीन नहीं होता है कि हम लोग नीचे घूम के आए हैं और प्रफुल्लित करता हुआ दृश्य है। और ये ऊपर से देखने का तो नज़ारा ही कुछ और है, पूरी तरह से देख पाते हैं आप कि कहाँ कहाँ किस तरह का पानी है, कहाँ जंगल है, कहाँ पर लोग रहते हैं। और ये बादलों के बीच से जहाज ऊपर उड़ता हुआ, तो मौसम ख़राब की चेतावनी, सीट बेल्ट बांधे रखने का संदेश। और इस बीच जो है हम लोग लगातार ये जो है आप देख सकते हैं नज़ारा, और फिर उसके बाद शानदार ये जो है भोजन की व्यवस्था। तो ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये है अंडमान का जो पानी वाला जो किनारा है, दिख रहा होगा बीच आपको, तो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये किनारे 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 पूरा देखते रहिए, ज़बरदस्त है, मतलब चारों तरफ पानी और बीच में टापू, और यहाँ पर आप घूमेंगे तो कितना, आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए ये पूरा। फिर ये देखिए, हवाई यात्रा जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और फिर उसके बाद हम लोग जो है दिल्ली पहुँच गए। ये दिल्ली में उतरते हुए, दिल्ली हवाई पट्टी जो है काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर टर्मिनल 3 में उतर रहे हैं हम लोग। टर्मिनल 3 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए होता है, तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली का, कितने जहाज आते हैं हर मिनट सेकंड में, जहाज आते रहते हैं। तो
बहुत दूर में जगह मिलता है उतरने के लिए, फिर वहाँ से आप अपने लगेज की ओर जाइए। क्योंकि हम लोग का लगेज जो है ऑलरेडी इस विमान में ही रहेगा, हैंड बैगेज बस साथ में रहेंगे, तो इसलिए हम लोग को लगेज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सीधे हम लोग को एंड जर्नी पर मिलेगा। तो ये देखिए दिल्ली का एयरपोर्ट, काफ़ी विशाल एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जितने जहाँ जाते हैं कि जब आपको मिलता है आखिरी में, और वहाँ से फिर आप उसको जो है चलते हुए उतरते हैं। और ये एक जगह है जहाँ पर आपको लगेज वगैरह मिलते हैं, और ये जो है एग्ज़िट इलाका है, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है तस्वीरें लेना पसंद करते हैं इस दीवार में लगे हुए इस कलाकृति की वजह से, और बहुत ही ये मनभावन कलाकृति रखा गया है यहाँ पर। बेस्ट एयरपोर्ट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर काफ़ी लोग तस्वीरें खींचते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पर से, ऐसा मतलब एक गुड वाइब्स आते हैं। फिर यहाँ से जो है अपने अपने लगेज बेल्ट से जो है लगेज कलेक्ट करते हैं, फिर लोग जाते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग को हैंड बैगेज था, हम लोग बाहर आके टैक्सी लिए, और एरो सिटी के पास ही हम लोगों ने एक होटल लिया, क्योंकि आज हम लोग स्टे करेंगे। और लेकिन 3 बजे रात को फिर से हम लोग को जो है तैयार होकर एयरपोर्ट आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जो है अर्ली जो है 4:45 बजे का जो है हम लोग को फ़्लाइट है आगे जाने के लिए। तो हम लोगों ने पास में ही एक होटल लिया है, और एयरपोर्ट से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही एरो सिटी के पास एक होटल है, वहाँ पर हम लोगों ने लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ होटल में, और फिर उसके बाद रात्रि जो है हम लोग भोज करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे, और फिर उसके बाद 3 बजे फिर एयरपोर्ट आ जाएंगे, और फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो इस तरह एक एडवेंचरस रहता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपका पूरा प्लान रहता है, और उस प्लान के हिसाब से आपको एक्टिव रहना होता है, आपको जगह में पहुंचना होता है, तो इसीलिए भी वो रोमांचक होता है, आपको एकदम जागृत अवस्था में रखता है। तो इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाते हैं और एकदम अलर्ट रहते हैं, आप शानदार तरीके से रहते हैं। ये देखिए दिल्ली के पास एक होटल है, और ये एरो सिटी में ही हमने लिया है, प्यारा सा छोटा सा होटल लिए हम लोग, थोड़ी देर रुकना है। ये देखिए छोटा सा बेड, ये बड़ा सा बेड, और ये वॉशरूम, और ये मिरर, वाह बढ़िया, अच्छे अच्छे आपको रहने के लिए जगह मिल जाते हैं। और आप जब बाहर आते हैं तो आपको ये छोटी छोटी खुशियां देते हैं। और ये हम लोग फिर देखिए रात को निकल गए हैं फिर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही जो है 4:45 बजे जो आप फ्लाइट है एयर इंडिया की दिल्ली से भोपाल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया एयरपोर्ट जाते समय 2 घंटा के पहले आपको पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पर बोर्डिंग पास लाइन में रहना पड़ता है, और ख़ास करके दिल्ली मुंबई ऐसे एयरपोर्ट में तो काफ़ी भीड़ होते हैं, तो आप समय से पहले नहीं पहुँचते हैं तो एक चिंता हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सभी जो लोग हैं वहाँ पर पहले से पहुँचे रहते हैं। तो ये हम लोग टर्मिनल 3 पर पहुँच गए, आए भी थे टर्मिनल 3 पर, और हम लोग अभी इसी से टर्मिनल 3 से जा रहे हैं। हमारा जो लगेज है ऑलरेडी उसमें बोर्ड हो गया होगा, और हम लोग हैंड बैगेज के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी हम लोग जो है बैठेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है 1 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएँगे भोपाल अपने डेस्टिनेशन पर। 7:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तो अभी 4:45 बजे हम लोग यहां से रवाना होंगे। तो ये देखिए गेट हम लोगों ने देख लिया है, गेट जो है 30B गेट पर से हम लोग के विमान जो है जाएगा, और फिर हम लोग फिर यहां पर विमान पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये एयर इंडिया का जो फ्लाइट है आ गया है, और अभी हम लोग यहाँ पर होंगे सवार, और फिर पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की ओर, और ये जो है देखिए बोर्डिंग करेंगे यहाँ पर, और ये हम लोग अब बैठ गए हैं। तो सुबह का समय है, लगभग 4:45, ठंडी लग रही है, और ऐसे भी काफ़ी यहाँ पर एसी चिल्ड एसी चलाया हुआ है। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट आ गया है, बहुत बढ़िया, और ये हम लोग हैं हवा में, और अभी बहुत ही देखते ही देखते हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर।
तो इस तरह से बहुत ही ये रोमांचित और मनमोहक और आकर्षक ट्रिप रहा। परिवार के साथ समय लेकर हम लोग के नई चीज़ें देख पाए। और ये देखिए सूर्य भगवान, वाह, नमस्कार करते हैं सूर्य भगवान को कि उनकी असीम ऊर्जा से हमारे रोग दूर होते हैं और हमें नई रोशनी मिलती है। और इस तरह देखते ही देखते हम लोग फिर अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, एयरपोर्ट भोपाल। राजा भोज विमानतल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, ये पूरा ट्रिप मैंने आप लोगों के लिए जो है ऐसा रिकॉर्ड किया था कि आप लोग भी मेरे साथ जो है सफ़र कर पाएँ और इन चीज़ों को देख पाएँ वर्चुअल तरीके से। तो ज़रूर कठिन होता है आप सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से हमने रिकॉर्ड करके आपको ये सफ़रनामा दिखाया अंडमान ट्रिप का। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये देखिए है ना, शानदार सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो राजा भोज एयरपोर्ट पर स्वागत है। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर बहुत ही नई एनर्जी के साथ, नए अनुभव के साथ। तो साथियों, इस ट्रिप के कुछ शानदार अनुभव, सेलुलर जेल की यात्रा करना, फिर उसके बाद समुद्री यात्रा करके जहाज़ के माध्यम से हेवलॉक द्वीप को देखना, रोज़ आइलैंड द्वीप को देखना, और पूरा सफ़र जो है काफ़ी नए अनुभव से रहा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस सफ़र का आनंद लिए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुप्रभात, देखिए शानदार सुबह, और आप सभी का अभिनंदन करता हुआ सुबह। तो हर हर महादेव, भगवान की कृपा से हम लोग पहुँच गए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।